हेलो दोस्तों, नमस्कार। पलाक तो बजे सुबह के 10 और ना कल रात मुझे याद आया कि एक बार हमारे खेत पे ना पुरैनी लगी थी, तो दिखाते हैं आपको अगर लगी होगी तो। मम्मी बोल रही कि एक बार देख के आ, क्या बता लगी हो, तो चलते हैं। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि हमारे घर पे ना अभी क्या काम धाम हो रहा है। तो शुरू करते हैं हमारे इंदू से। हमारे इंदू तो यहाँ पर मस्त तरीके से घास खा रही है, और लक्ष्मी भी और मम्मी वहाँ पर ना सामने इंदु का आर्दव रखा है तो उसे भी देख रही हैं, और यहाँ पर हमारे ना इनको भी देख रही हैं प्यारे प्यारे से, हमारी इंदु को प्यारे प्यारे से हमारी लक्ष्मी, और वहाँ पर गौरी ना आराम कर रही है। और नमन तो पता नहीं, पता ही हुआ आपको नमन का कि नमन क्या करता रहता है बस। और मौसम की बात करें तो धूप आ रखी है एकदम मस्त सी, और ना वैसे सुबह तो बादल भी लग रहे थे बार बार, लेकिन अभी तो धूप ही आ रही है बहुत देर से। तो ना अभी ऑफ कैमरा नमन हमारी एक्टिंग कर रहा था कि हम जब दिल्ली पे ना मार्केट पे घूम रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, बताओ नमन। तुम बाजार जा रहे थे भैया, ये क्या है भैया, ये क्या है, फिर तो ना जो हम जाएंगे जल्दी में आगे, ये क्या भैया, ये क्या, ये क्या भैया, ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्यों, शर्म किस बात की? आप यहां खुद जाइए पूजा दिला। तो ना यहाँ पर नमन बोल रहा है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बोल रहा है कल मेरी मैडम ने ना मुझे पनिशमेंट दी थी, बोल रहे मेरे से ना रबर से मिटाते मिटाते एक पन्ना फट गया। आ जा, कोई कुछ नहीं होता, आ जा। मैं खाऊंगा, मैं कौन पाऊ था। अरे अच्छा, डांटा, खाली डांटा। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, आ जा। तो अभी मैं और नमन जा रहे हैं पुरैनी ढूंढने दोस्तों, और ना पुरैनी ना फ्रूट होता है, और ना पुरैनी हमने हमारे खेत में उगाई नहीं थी, बल्कि वो ना खुद ही उग गई थी। तो जाते हैं, वैसे मुझे कंफर्म याद नहीं है कि उस पे फल किस टाइम पे आते हैं, मिलेंगे तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। हे राम जी, और ना यहाँ पर धूप का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप देख सकते हैं कि पत्तों पे भी ना ओस पड़ रखी है, रात में घास पे देखो कितनी ज़्यादा ओस है, ये है ना, कौन सी ओस है सारी, यहाँ पे भी देखो बांस के पत्तों पे सारी ओस है यार, इधर नहीं हुई। चलो इधर उस पे भी, यहाँ ऊपर से वो काफल का पेड़ है ना, इस चक्कर से ऊपर वाले खेत पे चढ़ो। तो ना हमारी मंजिल वहाँ सामने है दोस्तों, वहाँ जाना है हमने, वहाँ पे हमें मिल जाएगी। चलो घास भी हो रखी है, देख के चलना नीचे, ठीक है, यहाँ से ऊपर आ जाओ नमी, यहाँ से ऊपर चढ़ो, बाग भी होंगे। हाँ, आज तो हमने आपको स्कूल जाने से बचा दिया, फिर तो ना बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए दोस्तों, जब उसका मन नहीं है तो हमने कहा कोई बात नहीं, रुक जा घर में ही पढ़ लेगा। तो यहाँ पर हमारे ना सामने एक आड़ू का पेड़ ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन यहाँ पर ना आड़ू सारे बंदर खा देते हैं, सारा किनारे सब घना जंगल है आप देख सकते हैं, तो बंदर तो कुछ छोड़ते नहीं है हमारे लिए ऐसे ही। और ना पुरैनी सूख गई है नमन, ये देखिए इधर, ओहो। तो दोस्तों इस पे ये है पुरैनी, और ना ये सूख चुकी है यार, गलती कर दी हम लोगों ने, नहीं खा सकते अब ये, देखना मैं निकालती हूँ इसे नीचे, सूख गई है देख, हमने लेट कर दिया आने में। कब अभी? हाँ, हमने ना पहले आना चाहिए था, कम से कम आज से एक महीने पहले, अगर हम एक महीने पहले आते ना तो हमें पुरैनी मिल जाती, हमारी गलती के चक्कर से हमें पुरैनी नहीं मिली। वैसे सूखी खाते हैं इसे? हाँ। खाओ तो? खाओ, कैसी हो रही, एडजस्ट करने दो। तो दोस्तों फ्रेश पुरैनी तो हमें मिली नहीं, हमें सूखी मिली है। तो ना मैंने सुना है कि लोग इसे सूखी भी खाते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती है, खाते हैं, बेकार हो रही है। तो दोस्तों हमने ना लेट कर दी, आप देख सकते हैं एक वहाँ पे भी एक गुच्छा पड़ा है, इधर पे गुच्छा है, एक गुच्छा ये सामने है, सारे ना लेकिन सूख गए हैं। तो ना इसकी बेल भी नहीं है, बेल भी नज़र नहीं आ रही है, वरना मैं आप सबको दिखाती, ये नहीं है, ये नहीं है इसकी बेल, वरना मैं आप सबको दिखाती। और ना हल्का हल्का मुझे भी ये पुरैनी ना ब्लूबेरी जैसी लग रही है, मैंने नेट पे देखा तो मैं सोच रही थी इसकी एक बार ना बेल चेक कर लूँ, अगर बेल भी इसकी सेम है तो ये ब्लूबेरी ही है सच में।
वैसे फ्रूट तो इसका ब्लूबेरी जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, अगर मुझे बेल दिख जाती तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता, लेकिन मिली नहीं तो क्या करें, हम घर जाते हैं सीधे, है ना। नौमिन दिल टूट गया, स्क्रैच पड़ गए दिल पे। दोस्तों दिल पे स्क्रैच पड़ गए, नौमी दिल पे स्क्रैच पड़ गए। आपके ही पड़े? कितने सारे स्क्रैच पड़े? बहुत सारे। हाँ, नौमिन के दिल पे भी स्क्रैच पड़ गए दोस्तों। दोस्तों हमारा नौमिन बहुत ज्यादा समझदार है, बोल रहा है मौसी सूखे पत्ते देखो ये इसके ही हैं। देखती हूँ, ठीक है। नहीं यार ये नहीं लग रहा मुझे इसका। क्या हो गया नौम? जंगल आ गए हम तो। हाँ जी, हमारे खेत ना जंगल में ही है पहली बात। ये जंगल कहाँ है? सेला। ये जंगल है। वाओ। तो ना बचपन तो। तो अब नवन और मैं जा रहे हैं घर को, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं। तो सामने ना ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, इस पेड़ के पत्ते देखो आप कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वाह, चलो नौमिन। नहीं मैंने तोड़ लिया है, इधर देखो इसे पकड़ लो ना, एक्स्ट्रा मत तोड़ो यार। लो इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, लो दे तो रही हूँ, नहीं पकड़ रहा। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। और फाइनली हम लोग गधेरे के पास में पहुंच चुके हैं, अब बारी है इसे क्रॉस करने की। क्रॉस भी हमने कर लिया है। निमी क्या कर रहे हो? दोस्तों दिन के बजे हैं 2 और ना आजकल तो धूप इतनी अच्छी लग रही है, मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा धूप को। तो मैं दिखा रही थी आपको कि हमारे राम करेले अच्छे से सूख गए हैं, राम करेले और क्या था, हाँ और राम करेले और पापड़। और धूप चली गई यार, यही होता है सर्दियों पे ना, बादल लगते रहते हैं धूप आती रहती है, बादल लगते रहते हैं धूप आती रहती है, बस यही चलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि पापड़ ना पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं स्टोर करने के लिए। यहाँ पर ये राम करेले भी रेडी हो चुके हैं। इसकी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही ना, सुनने में कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी ना हम रख देंगे संभाल के, और ना सर्दियों पर जब बनाने का मन करेगा तब हम बनाएंगे इसकी सब्जी और आपको भी बताएंगे। जब बर्फ गिरेगी बाहर निकलने का नहीं होगा इसको। तो दोस्तों अभी मम्मी और मैं ना मडवा लेके जा रहे हैं साफ करने के लिए। तो ना इस मडवे को ओखली पे साफ करा जाता है, ओखली और मूसल की सहायता से। तो चलते हैं और देखते हैं। तो हमारे घर पे तो ओखली और मूसल है नहीं, मतलब कि मूसल है ओखली नहीं है। तो ओखली यहाँ पे है, वो जो ताई जी पानी भरने जाती है ना उनके वहाँ है ओखली, ये है। और वैसे ना पहाड़ के हर घर के आंगन पे एक ओखली होती है, लेकिन हमारे वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? है वहाँ पुराने मकान में है पास। तो ना हमारा जो पुराना घर था तो इसके मतलब कि ये वाला सामने वाला, तो इसके आंगन पे तो ओखली थी, लेकिन जो हमारा नया घर है वहाँ पर ओखली नहीं है। और अभी सामने ना घास वास जमी है, तो हमने कहा इतनी मेहनत कौन करे, इसलिए हम ना यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मम्मी ने कल गोबर से ना लिपाई करी थी जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ना अभी हमें हल्का सा साफ करना है और उसके बाद अपने कार्य को प्रारंभ कर देना है। यहाँ पर मम्मी सबसे पहले सफाई कर रही हैं। तो ना ये झाड़ू बनाया जाता है पिरोल से, मम्मी दिखाओ थोड़ा एक बार गौर से। चीड़ के पेड़ पे जो तिनके लगते हैं उससे बनाया जाता है झाड़ू, यानी कि पिरोल से। नमन पैर मत रखो वहाँ पर गंदे बार बार। तो दोस्तों मम्मी ने सफाई कर दी है, अब करते हैं काम को कंटिन्यू। तो अब मम्मी ओखली के चारों ओर से ना साड़ी का कपड़ा लगाएंगी, ताकि जो मंडुआ है ना वो इधर उधर फैले नहीं। इसे बोलते हैं स्टाइल। इस तरीके से। तो अब खाली करेंगी मम्मी मंडुआ। तो इस तरीके से सफाई की जाती है मंडुए की। मम्मी ऐसा मत कर, तेरे गंदे पैर हैं, दूर हट। नानी के साफ पैर हैं, तेरे गंदे पैर हैं, तेरे पैर पे लगा हुआ, तेरे पैर पे लगा हुआ मंडुआ कौन खाएगा है। और दोस्तों चारों तरफ धूप का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। यह है नमन के चप्पल पहनने का आइडिया। बचपन में ऐसा काम ना हर किसी ने किया होगा। मैंने भी कहा था एक बार। एक बार नहीं, बचपन में तूने बहुत बार कर रखा है, अब तो बड़ा हो गया।
अब तो तुमने जानबूझ के कर रखा है। याद आ रही है बचपन की। तो आ गई है सामने से ताई जी भी। ना तो यहाँ पर अब ताई जी भी हमारी मदद करने लग गई हैं। नौमिन देख रहा है कैसे कर रहे हैं लोग। पहले के ज़माने में देखने को मिलता था ना जब हम छोटे छोटे से थे, अब तो कहाँ, अब तो बहुत कम। पहले पे लोग ना वो मसाले भी तो वैसे पीसते थे, जब किसी की शादी होती थी तो ना मसाले भी ओखली पे ही पीसे जाते थे। अब तो खैर चले जाते हैं चक्की पे और पीस के ले आते हैं। ताई जी भी थक जा रही हैं। धान कूड़ा नहीं होती नहीं है कोई तो आवा खेलना हो। धान कूड़ा नहीं होती पर ऐसे यहां सब गोंच तो कूट इतने बहुत जने खट्टो हो छिने पे अब क्या है सर होय चूड़े चूड़े आज मके। तो यहां पर शिफ्ट बदल चुकी है, मम्मी का काम ताई जी ने ले लिया और ताई जी का मम्मी ने मिल बांट के काम हो रहा है और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो अब यहाँ पर सूप की सहायता से ना जो भी उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल निकला मडवे से उसे उड़ाएंगे हवा में। तो इस मडवे की सफाई इसलिए करी जाती है ताकि जब हम इसकी रोटियाँ खाएं तो ये ना चुभे ना। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ की तरफ ना उड़ रहा है कूड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल मडवे का। बस साफ हो गया मंडवा। तो यही चुभता है ना मन, ये मडवे पे जर्जरा सा है ना पूरा ये, तो इसकी रोटी में ना यही चुभता है। अगर इसे हम साफ नहीं करेंगे तो ये गले पे चुभता है, जर्जरा सा है पूरा। और अब ये मंडवा हो गया साफ। चलो उठो 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 उठो। तो ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से ना हमारा ये शुभ काम पूरा हो चुका है। और योगिता आ गई है स्कूल से तो ना मडवा हमने अच्छे से साफ कर लिया है। तो दोस्तों अब बहुत जल्द आपको हम ना बिच्छू घास की सब्जी और मडवे की रोटी बनाते हुए दिखाएंगे। तो बहुत जल्द ठीक है, पहले हम शादी अटेंड करके आएंगे उसके बाद दिखाएंगे क्योंकि शादी भी आने वाली है थोड़े दिन बाद। अब यहाँ पर ना सारा खलेरा खुलेरा फैलाने के बाद मम्मी कर रही हैं सफाई। तो दोस्तों आजकल ना सर्दियों में मेरा तो यही हाल रहता है। क्या करें, ठंडी बहुत हो रही है, नाक बह रही है, क्या करें, ऐसे तो करना पड़ेगा। आप कर रही है, मेरे को पता है। नहीं हो रहा है, मैंने बताने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिंग करी, वैसे हो रहा है मुझे, बह रही है नाक। फिर तो ना हाँ, अभी योगिता और मैं जा रहे हैं हमारे खेत पे जहाँ पर हमने मटर बो रखी थी। वैसे मेन रीजन यहाँ आने का ये था, वो जो उसने हमने ना नींबू या माल्टे का पेड़ शिफ्ट कर रखा था तो मैं ना उसे देखने आई हूँ कि वो लगा या फिर सूख गया, क्योंकि पेड़ बड़ा हो गया था ना तो बड़े होने के बाद एकदम ही लगता। बस यही देखने आए हैं। मटर जमने लग गई है। हाँ मटर भी जमने लग गई दोस्तों, हमारी मेहनत का फल हमें नजर आने लग गया दोस्तों। एक मटर इधर पे लगी है देखिए, छोटी सी है और ये लग रही है खेत पे छोटे छोटे से हल्के हल्के से। क्या बोल रही बता, पूरे खेत में मटर लगाई है? हाँ पूरे खेत में मटर है योगिता। इस बार तो हमारे पास पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा। फिर हमारी योगिता ना फटे हुए कपड़े नहीं पहनेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। बस तो पैसा आने दे, बस उसके बाद तो आज एक कपड़ा पहनेगी उसे फेंकेगी, फिर आज दूसरा खरीदेगी फिर फेंकेगी, ऐसे करेगी। तो ना ये रास्ता हमने जाने के लिए बनाया है, आने जाने के लिए, जो आप देख सकते हैं बीच पे ना गोल सी खींची हुई है। तो चलते हैं इस रास्ते से, इससे ये होगा कि हमारे मटर को ना नुकसान नहीं होगा कुछ भी। इस पे नमी कहाँ से आई रे, नमी की कमी नहीं हुई है। वो माल्टा लग गया देख सामने, माल्टा नींबू जो भी है वो मर गई रे। घर जाके माल्टा खाने का मन कर रहा है, खा लेना। तो वो नींबू का पेड़ ना हमने यहाँ से शिफ्ट कर रखा है वहाँ ऊपर वहाँ पे, तो ना आप देख सकते हैं कि ना एकदम मस्त सा लगा हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसे। यार मैं आपको पास जाकर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि पास जाने के लिए ना मुझे या तो वहाँ से कीचड़ से होके जाना पड़ेगा या फिर अपनी खेत से ना मटर का नुकसान करना पड़ेगा, तो मैं दोनों में से एक भी काम नहीं कर सकती। तो मैं इसलिए यहीं से दिखा, इसलिए मैंने आपको यहीं से दिखा दिया है। अब चलते सीधे घर को। नहीं कुत्ते की आवाज निकाल, चल बकरी की निकाल, बिराई सी बिल्ली की निकाल रही है, बकरी की होती है। मैं
बकरी की आवाज मैं निकाल सकती हूँ। अरे मटर को दिया है, चलो अगर ये दोनों खेत में एक साथ पहुंच जाए ना तो खेत में नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। दूंगी अब, इतनी मेहनत से मटर लगा रखी है हम लोगों ने, तुम लोगों से कूदो, ना शर्म है ना कोई हया है, फिर भी तुम खा रहे हो। हाँ खाने की हुई, बस हम खेत में खा रहे हैं, बस हम खेत में भी खा रहे हैं, बस खदवा के खदवा ही रहेगा उम्र भर, ये तो खा लिया हमने, बस तू रह गया। चल बकरी की आवाज निकाल, बकरी की बिल्ली की निकाल। मैं निकालूंगी, मैं तो कैसे करती है, चल ऐसे करती है जैसे बकरी की मैं वैसे बकरी की निकल पाती है, कुत्ते की निकल पाती है, बिल्ली की निकल पाती है, और बिल्ली की निकल पाती है, लक्ष्मी की निकल ना गौरी की, बिल्ली की निकालते हैं, ठीक है। अब बकरी की निकालेंगे, मैं अब निकालेंगे कुत्ते की। योगी ने अपने सिर पर मडवे की थाली रख दी है, तो नमन के सिर पर रख दी बोल और ये वाली लेके जाएगी योगिता, मेरे सिर पर रख दिला, भारी हो जाएगा, ले जा ना, ले जा, ले जाएगी, चलो एक्टिंग मत कर जल्दी कर, चलो तू लड़का है ना, चल जा, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करो, तू भी कर मेहनत, और अगर यहाँ से गांठ खुल गई तो पता ना क्या होगा फिर, रख देना। हाँ पीछे से आ रही है योगिता और मैं जा रही हूँ खाली हाथ, धनिया लाई लेके तो आ गई, तो दे जल्दी, तो धनिया इसके पास पे, धनिया भी लेके जा रहे हैं हम लोग, आ जाओ आज आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, मेरा नहीं मेरा खीर खाने का मन कर रहा, खीर ही खाना। दोस्तों अभी अभी हमें ना 15-20 किलो माल्टे का ऑर्डर आया है, तो अभी मम्मी और योगिता तोड़ने में लगे हुए हैं, दिखाते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, माल्टा तोड़ रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि मम्मी चढ़ी हुई है पेड़ पे सीढ़ी की सहायता से, नहीं पेड़ पे नहीं चढ़ी है दोस्तों, सीढ़ी पे चढ़ी हुई है और ना माल्टे तोड़ रही है, और योगिता पकड़ रही है उन्हें थैले पे भर रही है, माल्टा है अब पिल्ला है ने, तो ये लोग अपने आप तोड़ते हैं माल्टा, मैं जाके बनाती हूँ खीर, खाने का मन कर रहा है भाई, तो बनानी तो पड़ेगी ना, बना कर तो कोई मुझे देगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी ना माल्टा तोड़ रही है तराजू में, नवीन माल्टे की सेल लगा रखी है आप लोगों ने, कितने रुपए किलो दे रहे हो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए, और तोलने के बाद भर रहे हैं इस कट्टे पे, 5 रुपए किलो सारे, ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, लुटा देगा भाई हमें ये, लुटा देगा ये तो, 5 रुपए किलो में सारा देगा, लुटा ही नहीं देगा हमें, पूरा दे दूंगा पूरा, ये देख दो सड़क पे ले आएगा हमें, एक कोने में काम हो रहा है दोस्तों और एक कोने में रील, वो बैठने का स्टाइल देखो एक बार तुम लोग, क्या स्टाइल है बैठने का, वाह रे वाह, देखो एक पैर ऐसे यहाँ से वहाँ कर रखा है, रील कर भाई, हाँ उस पर देख दिया, नहीं हॉट शॉट देख दिया, हॉट शॉट हॉट शॉट बोलता है, दिखा दो हॉट शॉट देख दिया, नमन व्हाट्सएप को बोलता है हॉट शॉट, हॉट शॉट तो ना अभी रात को ही मम्मी ने हमें माल्टे तोड़ने लगा दिया, क्योंकि 30 किलो में ना 1.5 किलो माल्टे कम हो रहे हैं, तो योगिता फिर से तोड़ रही है पेड़ से, योगिता बाग आएगा, डर लग रहा है घर के पास, क्या करेगा तुझे, आएगा तो आएगा। और रात के वक्त बाहर का मौसम कुछ ऐसा है दोस्तों, आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा, उयो थन तोड़ देने माल्टा, सारे दाने इसने नीचे गिरा दिया यार, गुच्छा पूरा एक गुच्छा पकड़ा नीचे गिरा दिया गुच्छा ही। दोस्तों खीर हमारी रेडी हो चुकी है, अब खाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, सबसे जब चखेंगे सब बताएंगे ना, मस्त हुई दोस्तों मस्त। तो सुबह के बजने वाले हैं 7:15 और हमारे 30 किलो माल्टा पैक हो चुके हैं और जाने वाले हैं ऊपर रोड पे, रोड से जाएंगे गाड़ी में, तो ना इसे दीदी लेके जा रही है, मैं दीदी के लिए बनाऊंगी चाय, मैं बना रही हूँ चाय, ठीक है।
आ जाना।